Hello friends, welcome to Study Time channel. In today's video, we'll be discussing about the General Studies Prelims 2013 and I will use English and Hindi both in this video. ठीक है, so let's begin with this and पहला जो मेरा topic रहेगा, the first topic will be about the ancient India, the questions which were covered in the General Studies Prelims paper 2013. तो ancient India में the first question is Which of the following characterizes या characterize the people of Indus civilization? The options are: they possessed great palaces and temples, they worshipped both male and female deities, they employed horse-drawn chariots in warfares. ठीक है, तो question ये है कि इनमें से कौन-कौन से जो characteristics हैं, वो जो Indus Valley civilization के जो लोग थे, उनके हैं। तो पहला जो ऑप्शन है कि वो उनके पास बड़े-बड़े महल होते थे या मंदिर होते थे और वो मेल और फीमेल जो डाइटीज होते थे उनकी पूजा करते थे, ठीक है, और उनके पास घोड़ों के द्वारा जो उनके रथ होते थे उनका इस्तेमाल करते थे युद्ध के समय पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? सो यू हैव 5 सेकंड्स। सो द answer of this question is number B, ठीक है, and what is the number B? Only 2, ठीक है, so why 2? See, the Mesopotamians and Egyptians, they possessed great palaces and temples rather than the Harappa people, ठीक है, तो hence 1 is not correct, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो Mesopotamians और जो Egyptians होते थे, उनके पास होते थे बड़े-बड़े palaces और temples, जो हड़प्पन जो पीपल थे, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन जो होती थी उनके पास नहीं थे। तो इसका मतलब पहला वाला जो अगर हम पैलेसेस और टेंपल्स की बात करें तो वो गलत आता है, ठीक है। उसके पास ये है कि the various figures of the mother goddess made out of clay have been found from the Harappa. It was considered as a symbol of fertility and was venerated by the people, ठीक है। A figure of the male god in a seated posture was also found. It was carved on a small stone steel. So hence statement 2 is incorrect, ठीक है। तो ये जो है कि अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, कि वहाँ पे मदर गॉडेस के जो क्ले की जो मूर्तियाँ हैं वो मिली हैं, ठीक है, और उसके बाद जो मेल गॉड है एक सील मिला है वहाँ पर जिसके बैठे हुए हैं, जिसको हम शिवा के रूप में देखते हैं, स्मॉल स्टोन सील है। तो इसका मतलब ये जो नंबर 2 जो ऑप्शन है ये सही है। उसके बाद देखिए, the Indus Valley civilization may have been the first civilization to use wheel transport, ठीक है, so these advances may have included bullock carts and that are identical to those seen throughout South Asia today, ठीक है, so as well as the boats, ठीक है, तो horse drawn chariots were used by Aryans, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि third option की horse drawn जो chariots जो थे warfare में, अगर हम Indus Valley civilization की बात करें तो ये पहली civilization थी जो wheel transport का इस्तेमाल करती थी, ठीक है, जो wheel transport specially जो बैलगाड़ी जो होती थी उसमें इस्तेमाल होता था, लेकिन अगर हम बात करें युद्ध के दौरान घोड़ों के द्वारा दौड़ाने वाले जो रथ हैं वो केवल आर्यंस जो लोग थे उनके समय पे देखा जाता है। तो फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ गलत आता है और जो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, ठीक है, सो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एप्लीकेबल टू द जैन डॉक्ट्राइन? इसमें से कौन से ऑप्शन जो है वो जो जैन जो डॉक्ट्राइन जो थी, जैन सभ्यता जो थी, उसको उसमें लागू होता है, उसमें फिट बैठता है, ठीक है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस? द श्योरेस्ट वे ऑफ एनालाइजिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है, कर्म के द्वारा आप अपने जो जो बुरे जो कर्म है उनको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो पश्चाताप करके, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट जो है चाहे वो स्मॉलेस्ट ही क्यों ना हो उसके पास आत्मा होती है, ठीक है, और कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ठीक है, कर्म ही एक्चुअली उससे ही जो गलतियां जो होती हैं वगैरह तो वो खत्म होना चाहिए जिससे आत्मा को नुकसान होता है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है, तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? क्या एक सही है या दो या तीन सही है या एक या तीन सही है या एक दो तीन सही है, ठीक है, जरा गैस कीजिए आप इसमें। देखिए, अगर मैं बात करूं
प्रोडक्शन की, ठीक है. इफ आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, द आंसर इज द प्रोडक्शन, द फ्रूटिशन एंड एनिलेशन ऑफ कर्मा अलॉन्ग विद जीव एंड अजीव आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म. ठीक है. द एनिलेशन दैट मीन्स निर्जर ऑफ कर्म कम्स अबाउट थ्रू पेनेंस, हेंस वन इज करेक्ट. तो इस ऑप्शन में नंबर वन जो पॉइंट है, श्योरेस्ट वे ऑफ एलिटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस. तो ये जैन सिद्धांत का पहला सिद्धांत यही है. ठीक है. तो सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड द प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ एंटिटीज सच एज स्टोन्स, रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड अपॉन एज लिविंग बाई अदर सेक्स, हेंस टू इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. बट द जैन होल्ड्स दैट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग इज गिफ्टेड विद सोल्स, ईच जीव दैट मीन सोल इज इटर्नली एसोसिएटेड विद द अजीवा. ठीक है. बिकॉज ऑफ द कर्मन दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाई कर्मा जस्ट एज द नेचुरल लाइट ऑफ द सन इज हिंडर्ड बाई क्लाउड्स. ठीक है. बाय रिमूविंग द कर्मास ए सोल कैन रिमूव बॉन्डेज एंड रिगेन इट्स नेचुरल परफेक्शन, हेंस थ्री इज ऑल्सो करेक्ट. दैट मीन्स दीज थ्री ऑप्शंस एक्चुअली दे आर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइनीज ट्रेवलर वन श्वांग, दैट मीन्स वन श्वांग who visited India recorded the general condition and culture of India at that time. In this context, which of the following statement is or are correct? ठीक है. तो हुआन स्वांग के बारे में बात की गई है यहाँ पर, और उसने जब वो इंडिया आया था तो उसने किताब लिखी थी जनरल कंडीशंस यहाँ के बारे में, कल्चर लिखा था इंडिया के कल्चर के बारे में लिखा था. इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है सही बैठते हैं. द रोड्स एंड रिवर्स रूट्स वेयर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ordeals by fires, water and poison were the instrument for determining the innocence or guilt of a person. The tradesmen had to pay duties at ferries and various stations. ठीक है. तो इन options में से कौन सा option, road और जो river जो थे वो completely safe थे robbery से. ठीक है. punishment के दौरान क्या होता था कि जो बंदे थे उनको आग, पानी और poison देकर ये पता लगाया जाता था कि कौन इसमें इनोसेंट है, कौन गिल्टी है. ठीक है. जो ट्रेडमैन जो होते थे उनको नदी के द्वारा फेरीज जब करते थे या रोड बैरियर जो होते थे वहां पर उनको टोल देना पड़ता था. ठीक है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. सो द आंसर विल बी द हुआन स्वांग हिमसेल्फ वॉज रॉब्ड ट्वाइस. तो दैट मीन्स वन इज नॉट करेक्ट. हुआन स्वांग जो था खुद ही उसकी दो बार उसके साथ रॉबरी हुई थी, उसके साथ लूटा गया था, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत ही है. ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू हुआन स्वांग ड्यूरिंग हर्षाज राइन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट सोशल मॉरलिटी एंड द डिसलॉयल एंड अनऑफिशियल कंडक्ट द पनिशमेंट इज टू कट ऑफ द नोज और एन ईयर और ए हैंड और ए फुट और टू बैनिश द ऑफेंडर टू अनदर कंट्री और इन टू द वाइल्डरनेस. माइनर ऑफेंसेस वेर डेल्ट विद फाइंस, ordeal by fire, water, weighing were the instruments to determine the innocence or guilt of a person. Hence, 2 is correct. Under the revenue and the taxation system, Yuan Zhuang notes that tradesmen go to and fro bartering and their merchandise after paying little duties at ferries and various stations. And 3 is also correct. So, Yuan Zhuang ka jo pehla option hai ki जो रॉबरी जो थी नहीं होती थी वो गलत है क्योंकि खुद ही दो बार लूटा गया था. दूसरा और जो तीसरा ऑप्शन ये उसको सही फिट बैठाता है क्योंकि हर्ष के टाइम पे जो था जो पनिशमेंट थी तो उस समय नाक काट दी जाती थी, कान काट देते या हाथ काट देते थे या पैर काट देते थे या फिर बंदे को देश से निकाल देते थे. ठीक है. जंगलों में भेज देते थे. ठीक है. बहुत से जो ऑफेंसेस थे, फाइंस जो लगाए जाते थे. तो दूसरा ऑप्शन सही है. दूसरा वान सांग ने खुद अपने नोट्स में डाला है कि जो ड्यूटीज देनी पड़ती थी जो व्यापारी जो लोग होते थे. ओके. नेक्स्ट मूव ऑन टू द मॉडर्न इंडिया. नाउ अब हम मॉडर्न इंडिया वाले जो टॉपिक है 2013 में जनरल स्टडीज में पूछे गए थे उनकी बात हम करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन बिकॉज. जो हिंदुस्तान के जो लोग थे उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था. इंडियंस नेवर वॉन्टेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919. साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ द डायरकी इन द प्रोविंसेस. देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन. द साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. ये चार ऑप्शंस हैं. ठीक है. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लगता है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू
the working of the Simon Commission, the Indian Statutory Commission. The Simon Commission जो था वो Statutory Commission था, was a group of seven British members of a Parliament of United Kingdom that had been dispatched to India in 1928 to study the constitutional reform in Britain's most important colonial dependency. Okay, then none of the Indians were appointed in the commission, and the promise of appeasing the Indians seemed to be a bubble when no Indian was included in the commission. It was like depriving of their right to participate in the determination of the constitution of their own country. Okay, then which resulted in the agitation of large number of the people against the commission. So the answer is this one, there was no Indian member in the Simon Commission. इसीलिए जो लोग जो थे वो इस Simon Commission का बहिष्कार कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसको भेजा ही 1928 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो थे ब्रिटेन में, ठीक है, वो सब उसकी चेक करने के लिए भेजा गया था, और इसमें कोई भी मेंबर जो था वो इंडियन नहीं था, ठीक है, और उनका एक मकसद था कि उनको बहला फुसला कर, ठीक है, उनको शांत किया जा सके, ठीक है, और जब कोई भी इंडियन इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया था तो लोगों ने सोचा कि ये उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो था बहिष्कार इसीलिए हुआ था इसका, साइमन कमीशन का. सो देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, दैट इज व्हाई दी एजिटेटेड. ठीक है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस लिए लॉन्च किया गया था? क्या कैबिनेट विशन प्लान के लिए, क्रिप्स प्रपोजल के लिए, साइमन कमीशन रिपोर्ट के लिए, या वेवल प्लान के लिए? ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है. क्रिप्स प्रपोजल को लेकर ही क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था. अब क्यों, व्हाई वाज क्रिप्स प्रपोजल वाज द रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, गांधीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश चेंज रेडिकली. ही वॉज कन्विंस्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज एन इन्विटेशन टू द जापानीज टू इन्वेड इंडिया. ही सजेस्टेड दैट द सेफ्टी एंड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया लाई इन ऑर्डरली एंड टाइमली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया. ही बिलीव दैट विद द विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश द डेंजर ऑफ अ जापानीज इन्वेजन वुड डिसअपियर. हेंस क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च इन इंडिया इन अगस्त 1942 इन रिस्पॉन्स टू मोहनदास गांधीज कॉल फॉर द सत्याग्रह इंडिपेंडेंस. द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी प्रोक्लेम्ड ए मास प्रोटेस्ट डिमांडिंग व्हाट गांधी कॉल्ड एन ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया. तो वेवल प्लान 1945 एंड कैबिनेट मिशन प्लान 1946 वेयर इंट्रोड्यूस आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज लेट आउट इन 1947. सो देखो, वेवल प्लान जो था वो 1945 में आया, ये तो हो ही नहीं सकता. कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, ये हो नहीं सकता. और जो साइमन कमीशन है वो 1927 में आया था, ये हो ही नहीं सकता. बचा क्रिप्स प्रपोजल, तो क्रिप्स प्रपोजल भी इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर. अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी प्रोविंसेस की वो क्या थी. ठीक है, नंबर वन, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस और नॉमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. सो दीज आर द फोर ऑप्शंस. तो आपको ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसमें जो मेंबर्स जो आते थे प्रोविंसेस से चुनकर, वो कौन से थे. तो ये ऑप्शन इनमें से आपको आना है. अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप वाइल इंडिया वॉज स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल. ओके, फॉलोइंग नेगोशिएशन बिटवीन इंडियन लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ द 1946 कैबिनेट मिशन टू इंडिया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, द असेंबली मेंबर्स वेयर इलेक्टेड टू इट indirectly by the members of the individual provincial legislative assemblies and initially included representatives for those provinces which came to form part of Pakistan, some of which are now within Bangladesh. The Constituent Assembly had 217 representatives including 15 women. The interim government of India was formed on 2 September 1946 from the newly elected Constituent Assembly. So elected by the provincial legislative assemblies. ठीक है, this is the answer, the third one. ठीक है, okay, next, move on to the next question. The demand for the Deb Bhag peasant movement in Bengal was for. तो जो तेभागा जो किसान आंदोलन जो था बंगाल में, वो किस चीज के लिए था. ठीक है, the reduction of the share of the landlords from the half of the crop to one third, या the grant of ownership of the land to peasants as they were the actual cultivators of the land, the uprooting of the zamindari system and the end of the serfdom and righting of all the peasants' debt.
ठीक है, तो तेभागा जो मूवमेंट जो था, एक्चुअली द पेगा मूवमेंट वाज अ मिलिटेंट कैंपेन इनिशिएटेड इन द बंगाल बाय द किसान सभा, ठीक है। तो इन 1946 एट दैट टाइम द शेयर क्रॉपिंग पीजेंट्स एसेंशियली टेनेंट्स हैड टू गिव हाफ ऑफ देयर हार्वेस्ट टू द ओनर्स ऑफ द लैंड। द डिमांड ऑफ द तेभागा दैट मीन्स शेयरिंग बाय थर्ड्स, तेभागा मीन्स शेयरिंग बाय थर्ड्स, ठीक है। मूवमेंट वॉज टू रिड्यूस द शेयर इवन टू लैंडलॉर्ड्स टू वन थर्ड, ठीक है। सो दिस वन ए द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू द वन थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट द एनी बेसेंट वॉस, एनी बेसेंट यू नो ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो विच वन ऑफ दिस थ्री ऑप्शन इज राइट फॉर द मिसेस एनी बेसेंट। सो लेट मी टेल यू अबाउट एनी बेसेंट। फ्रॉम 1 अक्टूबर 1847 टू 20 सितंबर 1933 वॉज अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश सोशलिस्ट, थियोसोफिस्ट, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट, राइटर एंड ओरेटर एंड सपोर्टर ऑफ द आयरिश एंड द इंडियन सेल्फ रूल। व्हेन वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट इन 1914 शी हेल्प्ड लॉन्च द होम रूल लीग टू कैंपेन फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड डोमिनियन स्टेटस विद द एम्पायर। दिस लेड टू हर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लेट 1917। हैं स्टेटमेंट वन एंड थ्री आर करेक्ट। द थियोसोफिकल सोसाइटी वॉज ऑफिशियली फॉर्मड इन न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट इन नवंबर 1875 बाय हेलिना ब्लावेट्सकी, हेनरी स्टील ऑलकॉट, विलियम क्वान जज एंड अदर्स। एनी बेसेंट वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी, शी बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी आफ्टर ब्लावेट्सकी एंड ऑलकॉट, एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे इन सेकेंड ऑप्शन को छोड़ के पहले और जो तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है। अब देखिए इल्बर्ट बिल के बारे में आपने सुना है, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू दी इल्बर्ट बिल, जो इल्बर्ट बिल जो लाया गया था, जो कंट्रोवर्सी जो थी वो क्या थी। व्हाट हैपन्ड इन 1883 लॉर्ड रिपन लॉ मेंबर लॉर्ड इल्बर्ट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल, इट हैड अ प्रोविजन विच गेव इंडियन जजेस द पावर टू ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग यूरोपियंस। इमीडिएटली द होल यूरोपियन कम्युनिटी प्रोटेस्टेड एजिटेटिंग द बिल, दिस फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द बिल, ठीक है। सो द आंसर इज सी, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। सो द यूरोपियंस कुड बी ट्राइड इन इंडिया एंड द बिल वॉज ब्रॉट बाई लॉर्ड रिपन्स लॉ मेंबर लॉर्ड इल्बर्ट, ठीक है। सो थर्ड वन, जो जो इंडियन जो मजिस्ट्रेट जो थे उनको भी इंडिया में ट्राई किया जा सकता है, यूरोपियंस को भी ट्राई किया जा सकता है, इसीलिए ये बिल लाया गया था इल्बर्ट बिल। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन टुडेज वीडियो आई हैव कवर्ड जनरल स्टडीज एंड मॉडर्न इंडिया, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल ट्राई टू कवर द अदर पार्ट्स लाइक द इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एक्सेट्रा। So I hope you like this video, and if you like it, do subscribe my channel for more videos and keep updating yourself. Thanks for watching. आपका दिन शुभ हो।